तो ये हमारी तीसरी वीडियो है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज में। अगर आपने पहले की दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं अपने वीडियो में ऊपर की तरफ आएगा बटन दे दूंगा, वहां से जाकर आप पहले की दो वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की पहली जो टिप है वो होने वाली है पिवट टेबल्स के बारे में। तो पिवट टेबल्स काफ़ी पावरफुल फीचर है अगर आपको बड़ा डाटा समराइज करना है बहुत ही अच्छे व्यूएबल फॉर्म में। तो पहले तो हम सारे कॉलम्स और पूरा टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इंसर्ट पे जाकर पहला ऑप्शन पिवट टेबल का है उस पर क्लिक करेंगे। तो हम दो ऑप्शन दो दो वेज में पिवट टेबल ऐड कर सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग करंट शीट में या फिर हम न्यू शीट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू शीट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हमें कौन से कैटेगरी में क्या कौन सा कॉलम एंटर करना है। तो हमें पहले देखना है कि प्रोडक्ट को हम ले लेंगे रो में। अब मुझे पर प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस देखना है, तो मैं पर प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस डाल दूंगा कॉलम में। फिर मुझे देखना है कि टोटल प्राइस क्या है इसका यहाँ पर। तो बेसिकली अब ये हमारे डेटा को समराइज कर रहा है, जैसे कि एरो रूट इसका यूनिट प्राइस है 2.18 और ये इसकी टोटल जो सेल हुई है वो है 5330.1 की। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन से सिटी में कितनी सेल हुई है, तो हम सिटी को पुल आउट करके रोज में डाल देंगे प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि ये एक सेक्शन बना देगा सिटीज़ के हिसाब से। जैसे बॉस्टन है, मैं इसको कोलैप्स या एनलार्ज कर सकता हूँ। फिर अब मैं इसे रीजन के हिसाब से फ़िल्टर करना चाहता हूँ। हमारे डेटा में दो रीजन है, ईस्ट और वेस्ट, तो मैं देखना चाहता हूँ कौन सी रीजन में कितनी सेल हुई है। तो यहाँ से हम फिल्टर लगा के कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से डेटा काफ़ी अच्छे फॉर्म में व्यू कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप की ओर। हमारी जो दूसरी टिप है आज की वो है डेटा वैलिडेशन के बारे में। मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा है और आप किसी थर्ड पार्टी या आपके अलावा किसी का इनपुट चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो एक सेट फॉर्म में ही इनपुट दें, जैसे कि येस नो ट्रू फॉल्स फॉर एग्जाम्पल। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन की। तो आपको जहाँ पे भी जिस कॉलम में इनपुट चाहिए उस कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा डेटा पे जाकर डेटा वैलिडेशन क्लिक कीजिए। यहाँ पे अलाउ के अंदर लिस्ट सिलेक्ट कर लेना है और सोर्स में हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें क्या सोर्स चाहिए। मैंने बेसिकली यहाँ पर येस और नो डाल रखा हुआ है, ऑर्डर क्लोज्ड हुआ है या नहीं हुआ है इसकी मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ अपने रीजन के एम्प्लॉय से। सो मैं चाहता हूँ कि वो येस या नो में ही आंसर दें, तो मैंने येस और नो को सेट कर रखा हुआ है। फिर इसे अप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट फॉर्म में ड्रॉप डाउन आ जाता है, यहाँ पे येस या नो वो सिलेक्ट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो हमारी अगली जो टिप है वो है कीसिंग के बारे में। जैसे कि आपके पास समझ लीजिए कोई भी टेक्स्ट है सेल्स में और उसे आपको अपर केस लोअर केस या फिर प्रॉपर प्रॉपर केस में चेंज करना है। अगर वो लास्ट डेट है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसे चेंज करने में। तो बेसिकली यहाँ पर एक एक्सेल का फंक्शन है जो हम यूज़ करने वाले हैं, इक्वल्स टू अपर टैब दबा के हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे एंटर, फिर सारे ही कॉलम को सिलेक्ट करके जहाँ पे भी हमें ये फंक्शन लगाना है कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और ये सारा का सारा अपर केस हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए आपके पास कोई डेटा है उसे आपको लोअर केस में करना है, तो हम जाएंगे यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे, यहाँ लोअर टैब दबा के हम सिलेक्ट कर लेंगे टैब को सेल को जहाँ पे हमें फंक्शन लगाना है, कॉलम सिलेक्ट करके कंट्रोल डी। अगर प्रॉपर केस यूज़ करना है तो इक्वल्स टू प्रॉपर कंट्रोल डी कर देंगे, तो ये पहले और पहले लेटर को कैप्स कर देगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम टैब का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं एक्सेल में। तो बेसिकली काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं और आपने मल्टीपल टैब्स ओपन कर रखे हुए हैं और आप ये डिफ़िकल्ट हो आपके लिए कि आप रिमेंबर कर पाए कि कौन से टैब में कौन सा डेटा आपने एंटर किया हुआ है। तो आप कलर कोडिंग कर सकते हैं टैब्स की, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेडर्स को ब्लू में मार्क किया है, तो मैं इसको भी ब्लू में मार्क कर दूंगा। टैब पर जाकर राइट क्लिक करना है टैब कलर और यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हेडर्स को येलो में किया हुआ है, तो सेम यहाँ पे भी हम येलो में कर देंगे इसे। फिर यहाँ पर मैंने रेड किया हुआ है, तो यहाँ पर रेड सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से आप कलर कोडिंग कर सकते हैं टैब्स की। सो नेक्स्ट टिप में हम देखेंगे कि हम कैसे किसी पीडीएफ फाइल से कोई भी टेबल पिकअप कर सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि हम किसी भी वेब पोर्टल से कैसे डेटा पुल आउट कर सकते हैं।
अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें। तो पीडीएफ से फाइल लाने के लिए हम पहले डेटा पे क्लिक करेंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम पीडीएफ। मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन कर रखी है ऑलरेडी, तो हम ये डेटा लाना चाह रहे हैं हमारे एक्सेल में। इम्पोर्ट, उसके बाद इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, हमें सिलेक्ट करना है कौन सा टेबल हमें इम्पोर्ट करना है। तो हम फर्स्ट पेज का टेबल इम्पोर्ट करेंगे, ये टेबल आपको प्रीव्यू देगा, यहाँ पर नेक्स्ट लोड पर क्लिक, और ये डेटा इस तरह से प्रेजेंट कर देगा। अगली टिप में हम देखेंगे कैसे हम एक्सेल के ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे सेल में स्पेस रह जाता है, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेस रह गया है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि हम जब भी वीलुकअप वगैरह लगाते हैं तो हमारा फॉर्मूला ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो इसे हम ट्रिम फंक्शन से ठीक करेंगे, इक्वल्स टू ट्रिम टैब, सेल सिलेक्ट करेंगे, एंटर, सारे सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और ये क्लियर हो जाएगा जो भी स्पेस है।